हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीएससी क्या होता है, बीएससी में फीस कितना लगती है, या कितने साल का कोर्स होता है, और बीएससी में एडमिशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, पूरा डिटेल से इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटर करने के बाद बीएससी करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि बीएससी क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो बीएससी आपका होता है यह एक बैचलर कोर्स होता है। जी हां दोस्तों, जो आपका बीएससी होता है या एक आपका बैचलर कोर्स होता है, अगर आप बीएससी कर लेते हैं तो ग्रेजुएट कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीएससी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ग्रेजुएट कहलाते हैं। और फ्रेंड, जो बीएससी आपका होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। जी हाँ दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यह कितने साल का कोर्स होता है। तो फ्रेंड देखिए, बीएससी जो है यह 3 साल का कोर्स होता है। जी हाँ दोस्तों, यह जनरली जो है कि 3 साल का कोर्स होता है, लेकिन फ्रेंड्स इंडिया की कुछ यूनिवर्सिटी में जो है कि इसको 4 साल का कोर्स अब कर दिया गया है। फिलहाल जो है कि अभी तक ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में बीएससी जो होता है वह 3 ही साल का कोर्स होता है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि बीएससी में फ़ीस कितना लगती है। तो फ्रेंड देखिए, बीएससी में फ़ीस की बात करें तो वह डिपेंड करता है कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आप किस कॉलेज से बीएससी कर रहे हैं उस पर जो है कि उसकी फीस डिपेंड करती है। अगर आप सरकारी कॉलेज से बीएससी करेंगे तो वहां पर फीस काफी ज्यादा कम लगती है। वहीं पर फ्रेंड्स, अगर आप प्राइवेट से आप बीएससी करेंगे तो वहां पर फीस जो है वह काफी ज्यादा लगती है। जी हां दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी जो फीस पड़ती है वह करीब जो है कि 1 साल की 3 से 4 हजार रुपए पड़ती है। वहीं पर फ्रेंड्स, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो वहां पर 1 साल की फीस जो है वह 10 हजार से लेकर के 80 हजार रुपए तक पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज में डिपेंड करता है कि किस प्राइवेट कॉलेज से आप बीएससी कर रहे हैं। अगर किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से आप बीएससी करेंगे तो वहाँ पर 50 हजार, 60 हजार या 70 हजार रुपए तक आपसे जो है कि 1 साल की फीस ली जा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो मात्र जो है कि आपका 1 साल का 3 से 4 हजार रुपए लगेगा। आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लीजिए, वहाँ पर फीस वही सेम ही लगती है। लेकिन वहीं पर अगर आप प्राइवेट कॉलेज में रहेंगे तो वह उस कॉलेज पर भी ही डिपेंड करेगा कि वह कितना फीस जो है कि आपसे लेता है। किसी कॉलेज की, ज़्यादातर जो कॉलेज हैं उनका जो है कि 10 से 15 हजार रुपये तक होता है, लेकिन जो बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेज हैं उनकी जो फीस है वह करीब 50 हजार, 40 हजार, 30 हजार ऐसे जो है कि 1 साल की फीस होती है। और आपका 3 साल का जो है कि बीएससी होता है तो आप जोड़ सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में अगर जाएंगे 10 हजार रुपये भी अगर आपका 1 साल का लगेगा तब भी जो है कि 30 हजार रुपये हो जाएंगे। वहीं पर अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में रहेंगे तब आपका 1 साल का फीस 3 से 4 हजार रुपये रहेगा, तो करीब जो है कि 10 से 12 हजार रुपये में आपका बीएससी कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इतना फीस जो है कि लगती है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि बीएससी में एडमिशन कैसे होता है। तो फ्रेंड देखिए, इसका जो एडमिशन होता है वह 2 तरीके से होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें डायरेक्ट एडमिशन भी होता है और एग्ज़ाम के थ्रू भी आपका एडमिशन होता है। अगर फ्रेंड्स आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर जो है कि आपका एग्ज़ाम वगैरह लिया जाता है, उसके बाद रिजल्ट आता है तब जो है कि आपको एडमिशन दिया जाता है। वहीं पर अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर जो है कि आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। बस जो है कि कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऐसे हैं जो कि आपका एग्ज़ाम लेते हैं, उसके बाद जो है कि आपको एडमिशन देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है कि इन 2 तरीके से इसमें एडमिशन होता है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि बीएससी करने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो आपका इंटरमीडिएट में कम से कम 50% मार्क
मार्क होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपका इंटर में कम से कम 50% मार्क होना चाहिए। और दूसरी जो योग्यता है वह यह है कि आपका इंटरमीडिएट साइंस ग्रुप से पढ़ा रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपका जो इंटरमीडिएट है वह साइंस स्ट्रीम से पढ़ा रहना चाहिए, तभी जो है कि आप बीएससी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।